हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रेड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे टैरिफ, सब्सिडीज, कोटास एक्सेट्रा के बारे में। तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को लेके डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है, उन पॉलिसीज़ को इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ कहा जाता है। सो दीज ट्रेड पॉलिसीज़ दे एनकम्पस ऑल इंस्ट्रूमेंट्स दैट गवर्नमेंट मे यूज़ टू प्रमोट और रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो इन ट्रेड पॉलिसीज़ में वो सब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गुड्स की इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं या रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? दे आर टैरिफ, सब्सिडीज, इम्पोर्ट कोटास, वॉलंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, एंटी डंपिंग ड्यूटीज। तो चलिए एक एक करके इन इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है टैरिफ। तो टैरिफ क्या होता है? Tariffs are excise duties imposed on imported goods. Tariffs are of two types, specific tariffs and ad valorem tariff. तो imported goods पे जो goods import की जाती है बाहर से, उन पे जो duties लगती है, जो tax लगता है, उनको tariff कहा जाता है। दो तरह के tariff होते हैं, specific tariff and ad valorem tariff. तो specific tariff क्या होता है? Specific tariffs are levied as a fixed charge for each unit of the product imported. For example, a tariff of ₹1,000 on each TV imported. तो specific tariff क्या होता है कि जब आप जितने units आप बाहर से import किए जाते हैं उन पर जो tax लगता है उनको specific tariff कहा जाता है। जैसे कि 1,000 TVs जो है वो बाहर से import किए गए हैं, तो 1,000 TV बाहर से import किए गए हैं तो हर TV पे 1,000 का जो tariff, जो tax लगा है, तो इस तरह से 1,000 टीवी पे 1,000 ईच टीवी पे जो टैरिफ लगा है उसको कहते हैं स्पेसिफिक टैरिफ। दूसरा है एड वैलोरम टैरिफ। सो द टैरिफ लेविड एज प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड इज कॉल्ड एड वैलोरम टैरिफ। फॉर एग्जांपल, इम्पोजिशन ऑफ 30% टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स इम्पोर्टेड। जितने वैल्यू के गुड्स बाहर से इंपोर्ट की गई है उन पे एक फिक्स परसेंटेज जो टैक्स लगा है उनको एड वैलोरम टैरिफ कहा जाता है। जो टोटल वैल्यू पे जो टैक्स लगता है उसको एड वैलोरम टैरिफ कहा जाता है। जैसे कि सपोज बाहर से 1 करोड़ के कंप्यूटर्स जो है वो इंपोर्ट किए गए हैं और उसमें 30% का टैरिफ टैक्स लगा है, तो इस तरह से 30 लाख जो है वो टैरिफ होगा, टैक्स होगा। द पर्पज ऑफ टैरिफ्स मे बी ईदर रेजिंग रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट और प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाई इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। तो टैरिफ क्यों लगाए जाते हैं? एक तो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है, ये जो टैक्स इनकम होती है, ये गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है इनको इंक्रीज करते हैं, और दूसरा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है, जो लोकल कंट्री होती है, डोमेस्टिक कंट्री होती है जिसमें गुड्स इम्पोर्ट की जाती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये टैरिफ लगाए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोज टैरिफ्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एंड स्टील इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन इंडस्ट्रीज पे जो है वो टैरिफ लगाती है। नेक्स्ट, द पार्टीज गेन फ्रॉम द टैरिफ। नेक्स्ट है कि कौन कौन सी पार्टीज है जिनको टैरिफ से, इन टैरिफ से गेन होता है। तो सबसे पहले है गवर्नमेंट ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्री। द गवर्नमेंट ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्री गेट्स द रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज। सो जिस कंट्री में गुड्स इम्पोर्ट की जाती है उसकी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है इन टैरिफ से, इन टैरिफ्स के थ्रू। देन इंडस्ट्री ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री, जो डोमेस्टिक कंट्री है, जिस कंट्री में गुड्स इम्पोर्ट की जाती है उनको गेन होता है। कैसे गेन होता है? द प्रोडक्ट्स ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री वुड फाइंड मार्केट एज द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स आर हायर देन दैट ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। सो जब गुड्स बाहर से आती है, इम्पोर्ट की जाती है, तो उन पर टैरिफ लग जाता है जिससे उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो कॉस्ट बढ़ जाती है, तो कॉस्ट बढ़ने से उनकी प्राइस बढ़ जाती है, इससे जो डोमेस्टिक जो गुड्स होती है उनकी प्राइस तो सेम रहती है, उनकी प्राइस कम होती है इंपोर्टेड गुड्स से। इस तरह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है उनको फ़ायदा होता है। देन जॉब्स इन डोमेस्टिक कंट्री आर सेव्ड, क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स जो है उनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, इवन उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक गुड्स। तो लोग डोमेस्टिक गुड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इस तरह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो सेफ रहती है, और जॉब्स जो है वो भी सेफ रहती है इससे। डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में जॉब जो है वो सेफ रहती है। नेक्स्ट है सब्सिडीज़। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट यूज़ करती है वो है सब्सिडीज़।
सब्सिडीज क्या होती है, इन ऑर्डर टू एनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन और टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिटर्स, द गवर्नमेंट पेज टू अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर. सच पेमेंट्स आर कॉल्ड सब्सिडीज. डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंकरेज करने के लिए और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेन कॉम्पिटिटर से प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो पे करती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, उनको सब्सिडीज कहा जाता है. सब्सिडीज आर इन डिफरेंट फॉर्म. तो डिफरेंट फॉर्म की जो सब्सिडीज होती है, दे आर इन कैश मोड. कैश मोड में गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, लोन्स एंड एडवांसेस एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन एंड एडवांसेस दिए जाते हैं. टैक्स हॉलीडेज और टैक्स ब्रेक्स एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ आउटपुट एट अ हायर रेट. जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती है, प्रोड्यूस होती है, उनको गवर्नमेंट हाई रेट पे प्रोक्योर कर लेती है, खरीद लेती है. इक्विटी पार्टिसिपेशन, इक्विटी में पार्टिसिपेट करती है गवर्नमेंट, फंड्स प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को. एंड सप्लाई ऑफ इनपुट एट लोअर प्राइस. और गवर्नमेंट जो है वो हाई क्वालिटी का जो इनपुट होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, वो लो प्राइसेस पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है. तो इस तरह से ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ सब्सिडीज है जो गवर्नमेंट हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए देती है. सब्सिडीज हेल्प द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इन द फॉलोइंग वेज. रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड इंक्रीज हिज प्रॉफिट मार्जिन. तो ये सब्सिडीज जो होती है, जो गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करती है, ये गुड्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस कर देती है. इस तरह से जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं प्रोड्यूसर्स के, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के, उनके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाते हैं. देन कम्पीट विद द फॉरन प्रोड्यूसर इन द डोमेस्टिक मार्केट. जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फॉरेन जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे कम्पीट कर पाते हैं, क्योंकि इनको सब्सिडीज मिली होती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होती है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन गुड्स. तो इस तरह से वो फॉरेन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे कम्पीट कर पाते हैं. देन एंटर द फॉरेन मार्केट्स. गवर्नमेंट हाई क्वालिटी का इनपुट प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज. तो इस तरह से जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको फॉरेन मार्केट में एंटर करना इजी हो जाता है. तो इस तरह से ये जो सब्सिडीज होती है ये हेल्प करती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की, डोमेस्टिक इंडस्ट्री की ग्रो करने में. नेक्स्ट है इम्पोर्ट कोटास. इम्पोर्ट कोटास क्या होते हैं? इम्पोर्ट कोटा इज़ अ डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वान्टिटी ऑफ गुड्स विच आर इम्पोर्टेड इंटू अ कंट्री. तो इम्पोर्ट कोटा होते हैं जो कि गुड्स जो इम्पोर्ट की जाती है बाहर से, उनकी क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन, जो कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो बाहर से इम्पोर्ट की जा सकती है, तो उस पे जो रिस्ट्रिक्शंस होती है उनको इम्पोर्ट कोटास कहा जाता है. दीज रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड बाय इशूइंग इम्पोर्ट लाइसेंस टू सर्टन फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स टू इम्पोर्ट अ सर्टन क्वांटिटी ऑफ गुड्स. इंडिया हैड कोटास ऑफ इम्पोर्ट ऑफ वेरियस गुड्स लाइक कार, मोटरसाइकिल्स, मिल्क एक्सेट्रा अप टू 31 मार्च 2001. तो 2001 तक इंडिया में इन जो गुड्स है, कार, मोटरसाइकिल्स, मिल्क एक्सेट्रा, इन पे इम्पोर्ट कोटा लगता था. इसका मतलब है कि क्वांटिटी फिक्स की होती थी गवर्नमेंट ने, कि इस क्वांटिटी से ज़्यादा जो इम्पोर्टर्स है वो गुड्स को इंडिया में इम्पोर्ट नहीं कर सकते. इम्पोर्ट कोटास प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिटर्स. तो इम्पोर्ट कोटास जो है वो डोमेस्टिक फर्म को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कॉम्पिटिटर्स से प्रोटेक्ट करते हैं. देन नेक्स्ट है वॉलंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स. अ वॉलंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट इज द ऑपोजिट फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट कोटास. अ वॉलंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट इज अ कोटा ऑन एक्सपोर्ट ऑफ द डोमेस्टिक फर्म इम्पोज्ड बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री. एक्सपोर्टिंग कंट्री इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, जैपनीज automobile exporters had such restraint in 1981 due to the request of the US government. The voluntary export restraints jo hai, that is an opposite form of import quotas. So import quotas mein jaise humne padha ki kitni quantity ki goods hum import kar sakte hain, us pe restrictions hoti hai. Aur voluntary export restraint mein hota hai ki kitni quantity ki goods jo hai wo
एक्सपोर्ट की जाती है उस पर रिस्ट्रिक्शन होती है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो गवर्नमेंट लगाती है वो रिक्वेस्ट पे लगाई जाती है, इंपोर्टिंग कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसकी रिक्वेस्ट पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, जैपनीज ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर्स हैड सच रिस्ट्रेंट्स इन 1981 ड्यू टू रिक्वेस्ट ऑफ द US गवर्नमेंट, कि जैपनीज ऑटोमोबाइल्स पे ऑटोमोबाइल के जो एक्सपोर्टर्स थे, जो जापान के जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी जो बाहर US में गुड्स एक्सपोर्ट करती थी, उन पे रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो इस क्वांटिटी से ज़्यादा गुड्स जो है वो बाहर नहीं US में नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। और ये जो थी ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द US गवर्नमेंट। तो US गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे ही जापानीज गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्री पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। फॉरेन एक्सपोर्टर्स मोस्टली एक्सेप्ट फॉर द वॉलंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स एज इट्स वायलेशन लीड्स टू इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ्स एंड इम्पोर्ट कोटाज एक्सेट्रा। तो जो फॉरेन एक्सपोर्टर्स होते हैं वो इस जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट होता है, जो वॉलंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट होता है, इनको एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज उनको पता है कि अगर वो वायलेट करेंगे, अगर वो ज़्यादा क्वान्टिटी की गुड्स बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो उन पर टैरिफ्स लग जाएगा, उन पर टैक्सेस लग जाएंगे, जो कि उनकी गुड्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर देंगे। Import quotas and voluntary export restraint help the domestic firms by providing protection from the foreign competitors. तो ये जो दोनों import quotas और voluntary export restraints हमने जो पढ़े हैं, ये जो instrument है ये जो foreign competitors, जो domestic producers है, जो domestic industries है, उनको foreign competition से protect करते हैं। These enhances the price of import गुड्स एंड मेक द डोमेस्टिक गुड्स चीप। तो ये जो कोटाज लगते हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगती है, ये इम्पोर्टेड गुड्स की प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि हमारी डोमेस्टिक गुड्स जो है वो चीप रहती है। तो इस तरह से डोमेस्टिक गुड्स की जो डिमांड होती है मार्केट में बनी रहती है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। सो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट क्या है? लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट इज अ कंडीशन दैट रिक्वायर्स सम स्पेसिफिक फ्रैक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इम्पोर्टेड टू बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। तो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट में क्या है, इसमें गवर्नमेंट जो है कंडीशंस लगाती है कि जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस इम्पोर्ट की जाएगी उसमें स्पेसिफिक कुछ फ्रैक्शन जो गुड्स है वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस होनी चाहिए। द रिक्वायरमेंट मे बी इन फिजिकल टर्म्स, जैसे कि 50% ऑफ द कंपोनेंट शुड बी फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्री, और इन वैल्यू टर्म्स 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। लाइक जैसे कि अगर कोई गुड्स बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं, तो गवर्नमेंट ने जैसे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि जो 50% इस गुड में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होना चाहिए, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर होना चाहिए, उसके जो सब पार्ट्स हैं या सब असेंबलीज है वो 50% जो उसके सब पार्ट्स सब असेंबलीज है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होने या मैन्युफैक्चर होने चाहिए, या फिर जो गुड्स की टोटल वैल्यू है उसमें 50% जो वैल्यू है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इंसिस्ट ऑन द लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू शिफ्ट एटलीस्ट सर्टन पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेस इन देयर कंट्री। तो मोस्ट ऑफ द जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इस पॉलिसी को फॉलो करती है, सो दैट कि जो उनकी लोकल इंडस्ट्री है वो डेवलप करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनकी इंक्रीज हो कंट्री में, जो लोकल रॉ मटेरियल है उनका फुल यूटिलाइजेशन हो। नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो है, नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। गवर्नमेंट इन एडिशन टू द कोटास एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस यूज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिसीज टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट एंड बूस्ट एक्सपोर्ट्स। Administrative policies are bureaucratic rules and procedures which are formulated to make it difficult for imports to enter the country. Foreign trade barriers like tariffs and quotas are the lowest in Japan. Japan mostly use the administrative policies. So administrative policies जो है government use करती है, use की जाती है import को restrict करने के लिए, export को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है एंटी डंपिंग ड्यूटीज। एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या होती है? डंपिंग क्या होता है? सबसे पहले डंपिंग इज डिफाइंड एज सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन मार्केट एट बिलो देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डंपिंग इज व्यूड एज अ मेथड बाय विच फर्म्स अनलोड एक्सेस प्रोडक्शन इन फॉरेन मार्केट्स। तो डंपिंग में क्या होता है कि
जो कंट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, जो मार्केट प्राइस है गुड्स की, उससे भी कम रेट पे दूसरी कंट्रीज में गुड्स को जो है वो सेल करती है. एंटी डंपिंग पॉलिसीज आर डिज़ाइन टू पनिश फॉरन फर्म्स डेट एंगेज इन डंपिंग. तो एंटी डंपिंग पॉलिसीज बनाई जाती है सो दैट कि इस तरह की फर्म्स जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो गुड्स की मार्केट प्राइस है उससे भी कम रेट पे जो दूसरी कंट्रीज में गुड्स को सेल करती है, उनको पनिश करने के लिए एंटी डंपिंग पॉलिसीज बनाई जाती है. देयर ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम अनफेयर फॉरन कंपिटिशन. तो उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनको प्रोटेक्ट करना इस तरह के अनफेयर फॉरेन कंपटीशन से. एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ दैट अ डोमेस्टिक गवर्नमेंट इम्पोज ऑन फॉरेन इम्पोर्ट्स दैट इट बिलीव्स आर प्राइस्ड बिलो फेयर मार्केट वैल्यू. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर रिस्पेक्टिव इकोनॉमी, मैनी कंट्रीज इम्पोज ड्यूटीज ऑन प्रोडक्ट्स दे बिलीव आर बींग डम्प्ड इन देयर नेशनल मार्केट because these products have the potential to undercut local business and the local economy. So the domestic market ko protect karne ke liye government aisi products pe jo ki low market price pe sell ki jati hai un pe duties lagati hai, apne jo domestic market hai, domestic industries hai, unko protect karne ke liye. So learners, this is all about this session. Till the next session, bye and happy learning.